नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें। और केबीसी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए खास वीडियो है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, महाभारत में कर्ण के धनुष का नाम क्या था? महाभारत के अनुसार कर्ण के धनुष का नाम क्या था? ए सुदर्शन, बी गांडीव, सी पिनाका, डी विजया। दोस्तों अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ले और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे। और जवाब आने वाला है, सही जवाब है डी विजया। अगला प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पताका में इनमें से कौन सा चिन्ह है? ए अनुस्वार, बी चंद्रबिंदु, सी विसर्ग, डी ओम। जगन्नाथ मंदिर के पताका में कौन सा चिन्ह है? और सही जवाब है बी चंद्रबिंदु। अगला प्रश्न, कौन से तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं? सेल्सियस और फारेनहाइट के वैल्यू बराबर होते हैं। ए -40 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 100 डिग्री और डी 98 डिग्री। और सही जवाब ये रहा ए -40 डिग्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दें। अगला प्रश्न, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनल, बी थियासिन, सी नियासिन, डी राइबोफ्लेविन। और सही जवाब है डी राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है को कौन बनवाया था, कौन से राजा ने बनवाया था? ए अनंत वर्मन, बी चोल शासक, सी राजराज प्रथम, डी धर्मपाल। अभी अभी रथ यात्रा हुआ था इसलिए दोस्तों दो दो प्रश्न जगन्नाथ मंदिर से दे दिए हैं, हो सकता है केबीसी में पूछे। और इसका सही जवाब है ए अनंत वर्मन। अगला प्रश्न, विंबलडन 2018 पुरुष एकल के विजेता कौन है? ए एंडी मरे, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी रोजर फेडरर। और इसका सही जवाब है बी नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है ए राजस्थान। अगला प्रश्न, सौर मंडल का कौन सा ग्रह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर परिक्रमा करता है? ए शनि, बी यूरेनस, सी मंगल, डी नेपच्यून। सही जवाब है बी यूरेनस। अगला प्रश्न,
पहली बार लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था, इसके बाद कौन से जानवर को भेजा गया था? ए चिंपैंजी, बी बंदर, सी मेंढक, डी बकरी। और इसका सही जवाब है बी बंदर, आवेल नाम था, 1958 में भेजा गया था, 59 में भेजा गया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ए धर्म चक्र, बी परिवर्तन, सी महापरिनिर्वाण, डी महाभिनिष्क्रमण। और इसका सही जवाब डी महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूले, ऐसे वीडियो और आएंगे, कृपा करके सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।